नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब, मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। नीतीश कुमार ने सातवीं बार सीएम पद की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने दिलाई उन्हें शपथ। नीतीश कुमार के साथ 14 मंत्रियों ने भी शपथ ली। तारकिशोर प्रसाद ने ली मंत्री पद की शपथ। चौथी बार विधानसभा को चुनाव जीत चुके हैं। रेणु देवी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। चुनाव जीतकर चौथी बार पहुंचे विधानसभा। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपात बैठक 12 सूत्रीय प्लान सुझाया। दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए सीएपीएफ से अतिरिक्त डॉक्टर्स और पैरामेडिकल को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाए जाने का फैसला लिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता और अधिकारियां बैठक में मौजूद रहे। बैठक में केंद्र की तरफ से दिल्ली को आईसीयू बेड देने और अन्य उपकरण मुहैया करवाने की बात कही गई। अमित शाह ने ट्वीट में बताया कि कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए हुई बैठक में कई निर्देश दिए गए हैं। इनमें दिल्ली में सीआरपीएसआर टेस्ट को 2 गुना वृद्धि कराने की बात की गई। दिल्ली में लैबों की क्षमता को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने और जहां कोविड होने का खतरा ज्यादा है वहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर की मोबाइल टेस्टिंग वैन को तैनात करने का फैसला लिया गया। बड़ौदा उपचुनाव में जीते कांग्रेस के इंदुराज नरवाल 17 नवंबर को विधायक पद की शपथ लेंगे। इसके बाद 6 दिसंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसमें कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। केदारनाथ और बद्रीनाथ में हुई जमकर बर्फबारी। टिहरी में सुबह से हुई बारिश और ये बारिश फसलों के लिए अच्छी बताई जा रही है। बाबा केदारनाथ धाम कपाट आज से बंद हो जाएंगे। केदारनाथ पर रात भर से हुई बर्फबारी, इसके दौरान चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर फैल गई है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार जब 29 अप्रैल को कपाट खुले थे तो काफी सादगी से कार्यक्रम हुआ था, लेकिन कपाट बंद होने के दौरान विधिवत पूजा और उत्सव का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में सभी धार्मिक स्थल खुले गए। उद्धव सरकार ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, दरगाह सबको खोलने की इजाजत दे दी। कोरोना संकट के चलते 18 मार्च को धार्मिक स्थल बंद कर दिया गया था। आस्था के लिए धार्मिक स्थलों में न जाने से पहले कोविड के नियमों का पालन करना होगा। मास्क पहनना जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना जरूरी होगा। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर के अंदर हर दिन सिर्फ 1000 भक्त को जाने की अनुमति मिली है। श्रद्धालुओं को अपने विवरण भरने और मंदिर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवाने की जरूरत होगी। तरनतारन में लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस ने हरी के पतन से पंजाब अधिकार यात्रा की शुरुआत की। लोक इंसाफ पार्टी ने कृषि कानून और पानी को फ्री में साझा के खिलाफ यात्रा निकाली। इस दौरान सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा कि देश की आजादी से पहले पंजाब के राजे महाराजे पानी की कीमत वसूला करते थे और दिल्ली पानी हिमाचल को पानी की कीमत दे रहा है तो फिर पंजाब को भी उसका पानी का हक मिलना चाहिए। शहीद करतार सिंह सराभा के शहीदी दिवस पर बठिंडा में भारतीय इंकलाबी मार्क्सवादी पार्टी द्वारा मार्च कर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। मार्च की अगुवाई कर रहे कॉमरेड महिपाल ने कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों को खुश करने के लिए लोगों के अधिकार का हनन कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसानों को लगातार प्रदर्शन कर रहे, केंद्र सरकार उनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है, जिससे साबित होता है कि केंद्र सरकार लोगों के हितों को दरकिनार कर पूंजीपतियों के हक में खड़ी है। जैतो में किसान जत्थेबंदियों ने फ्लैग मार्च निकाला और रोष प्रदर्शन किया।
वहीं अलग अलग गांवों में किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉलियां ले जाकर का संदेश दिया और उन्हें जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली जाकर हमें कितना भी समय लग जाएगा, लेकिन जब तक केंद्र सरकार इस कानून को रद्द नहीं करती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। बठिंडा में भी किसानों ने बैठक का आयोजन किया और 26 और 27 अक्टूबर को दिल्ली कूच करेंगे और इसकी तैयारियों का खाका तैयार किया। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉलियां भरकर दिल्ली की तरफ से किसान जत्थेबंदी कूच करेंगे। यदि रास्ता उनकी तरफ से रोका गया तो वो वहीं पर चक्का जाम करेंगे। बैठक में 18 तारीख को दूसरे किसान जत्थेबंदी चंडीगढ़ में अहम बैठक करेंगे, जिसके बाद ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। राजपुरा में विकास के काम पर हो रहा है बड़ा खेल। करीब 30 साल से नगर निवासी जो है बुनियादी सुविधा का कर रहे इंतजार। गुस्साए लोगों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। लुधियाना में मौसम में आए बदलाव का वातावरण पर असर देखने को मिला है। बरसात से लोगों को प्रदूषण से राहत मिली है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मौसम विज्ञान विभाग प्रमुख डॉक्टर प्रभजोत कौर सिद्धू ने इस बरसात को दिवाली का गिफ्ट करार दिया। इस बरसात से प्रदूषण के कण नीचे बैठ गए, वातावरण साफ हो गया। इसके अलावा उन्होंने किसानों के लिए भी ये मौसम फायदेमंद बताया। प्रेस दिवस के मौके पर दूरी प्रेस क्लब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जरूरतमंदों को सर्दियों के कपड़ों के साथ जूते बांटे गए। इस मौके पर दूरी के एसडीएम और डीएसपी ने विशेष तौर पर शिरकत की। शाही शहर पटियाला में भी मीडिया क्लब की ओर से पत्रकारिता दिवस के मौके पर ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसएसपी और डिप्टी कमिश्नर ने मुख्य तौर पर शिरकत की और पत्रकारों के कामों की सराहना की। होशियारपुर में दिवाली पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई और डिप्टी कमिश्नर की ओर से रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पटाखे चलाने की छूट थी। हालांकि लोग रात के 12 बजे तक पटाखे चलाते हुए दिखाई दिए। वहीं डिप्टी कमिश्नर के घर के पास स्थित बसंत बिहार इलाके में उस समय दहशत का माहौल फैल गया जब एक शख्स अपने घर के ऊपर रिवॉल्वर और दोनाली गन से दिवाली पर आकाश में फायरिंग करने लगा। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है और इसकी जानकारी जब पुलिस को दी गई तो हालांकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संगरूर में अलग अलग बोर्ड के एमसी ने नगर काउंसिल ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनके पास ना तो कोई नक्शा पास किया है और ना ही उनके पास कोई जानकारी दी गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर अधिकारियों से कुछ पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए वो नगर काउंसिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पटियाला की छोटी बिरादरी में स्थित एक्सिस बैंक के बाहर भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। जानकारी के मुताबिक बैंक में काम करने वाले सतेंद्र सिंह को पहले बैंक से निकाल दिया गया और अब उसे वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। बार बार यूनियन और कर्मचारी की ओर से बैंक कर्मियों को सैलरी देने और कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की अपील की गई तो बैंक ने साफ तौर पर मना कर दिया, जिसके बाद से ये प्रदर्शन किया गया। पंजाब सरकार की तरफ से सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस खोल दिए गए, इसको लेकर विद्यार्थी और प्रोफेसर की तरफ से काफी खुशी जाहिर की।
प्रोफेसर और स्टूडेंट्स का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते उनकी पढ़ाई को जो है काफी नुकसान हो गया, लेकिन अब कॉलेजेस खुल गए हैं तो उन्हें अब फायदा मिलेगा। मलेरकोटला में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें खेत में बने कुएं से बोरे में बंद गाय के अवशेष मिले। जानकारी के मुताबिक अवशेष कई बोरियों में बंद किए गए थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे रक्षा दल और शिवसेना ने कुएं से सारी बोरियां बाहर निकाल दी। वहीं पुलिस ने जानकारी के मुताबिक मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। श्री मुक्तसर साहिब में हल्की बारिश के बाद गांव गुलाबविला में मालवा पावर प्लांट में आसमानी बिजली गिरने से पराली के गट्ठों में आग लग गई। श्री मुक्तसर साहिब और फरीदकोट से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार आग पर काबू पाने में जुटी रही, लेकिन अभी तक नुकसान का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। पावर प्लांट के मालिक बीएस जगन्नाथ ने बताया है कि आग लगने का कारण आसमानी बिजली है। फिलहाल आग लगने का सही कारण पता नहीं चल पाया है। खेमकरण की घनी आबादी के वार्ड नंबर 6 में अचानक आग लगने की वजह से एक गरीब मजदूर का घर जलकर खाक हो गया। वहीं पीड़ित परिवार ने पंजाब सरकार और प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। मलेरकोटला के पास कल्याण गांव में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से बदमाश फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक युवक किसी काम से बाहर जा रहा था, जहां रास्ते में बदमाशों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। गांव वालों ने जो है युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आपसी रंजिश का यह पूरा मामला है, बाकी रिपोर्ट आने के बाद खुलासा हो पाएगा। फगवाड़ा सरकारी रेस्ट हाउस चौक पर तेज रफ्तार बस ने एक रिक्शा चालक को टक्कर मार दी और टक्कर इतना भयानक था कि रिक्शा चालक की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान फगवाड़ा के तेज बहादुर नगर के श्यामलाल के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज परिजनों ने पुलिस की चौकी पर धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि 18 घंटे के बाद भी पुलिस ने बस के ड्राइवर को ना ही गिरफ्तार किया और ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की। मोगा के गीता भवन और हरिद्वार पावन धाम के ट्रस्ट के प्रधान 108 महामंडलेश्वर स्वामी जी सहज प्रकाश जी का बीमारी के कारण जो निधन हो गया, जिसके चलते मोगा में शोक की लहर है। वहीं महामंडलेश्वर स्वामी सहज प्रकाश जी की इच्छा के मुताबिक गीता भवन में अंतिम संस्कार मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। इस मौके पर सैकड़ों के श्रद्धालुओं ने उनको नमन किया। वहीं एडवोकेट सुनील गर्ग ने बताया कि स्वामी जी पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे और लुधियाना के अस्पताल में उनका देहांत हो गया, साथ ही उन्होंने उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक ही गीता भवन में उनका अंतिम संस्कार किया गया। पटियाला का सेंट्रल जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। सेंट्रल जेल में चेकिंग के दौरान कैदियों के पास से नशीला पदार्थ और मोबाइल फोन बरामद किया गया। वही थाना प्रभारी ने कहा कि सभी नशीला पाउडर और नशीली गोलियों को लैब में भेज दिया गया और इसकी जांच में सामने हो जाएगा कि नशीली पदार्थ और पाउडर जो है किसके इस्तेमाल में होती थी। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने ऊना विधानसभा क्षेत्र को 70 करोड़ रुपए की सौगात दी। सीएम जयराम ठाकुर ने 70 करोड़ रुपए की विकासात्मक 45 परियोजना की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला ऊना विधानसभा क्षेत्र के लगभग 70 करोड़ रुपए की 45 विकासात्मक परियोजना की लोकार्पण किया और शिलान्यास किया उसका।
इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने जनता को बधाई दी। वहीं कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथ लिया और उन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रभारी बनने के बाद विकास को ही अपना चुनावी एजेंडा करार दिया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जम्मू कश्मीर के स्थानीय निकायों के चुनावी की बड़ी जिम्मेदारी देने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया। रामपुर में सूक्ष्म तरीके से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का आधिकारिक रूप से समापन हो गया। कोरोना के डर से मैदान में खरीदारी का आवागमन ना के बराबर रहा। हालात को देखते हुए स्थानीय व्यापारियों ने अपने उत्पादों के दाम में भी गिरावट देखी, लेकिन फिर भी मेले में पहले की तरह ग्राहक की भीड़ नहीं थी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सड़क हादसा, पिकअप जो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। एसएसपी आशीष शर्मा ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि कार में 7 लोग सवार थे। कार में सवार 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे में मरने वाले सभी लोग बिहार के बताए जा रहे हैं, जिनकी पहचान की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मंडी में हुए सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया। पीएम ने लिखा कि हिमाचल प्रदेश के मंडी में सड़क हादसे में हुआ जो घटना है अत्यंत दुखद है। पीएम ने कहा कि सरकार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। इस दुर्घटना से मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं इस हादसे पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ट्वीट कर अपना दुख जाहिर किया। स्पीकर ने लिखा कि हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे में श्रमिकों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। ओम बिरला ने लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में प्रभु स्थान दे। शोक संतृप्त परिजनों के प्रति मेरी आत्मिक सद्भावना है। शिमला में मौसम ने ली करवट। 2020 की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। कई महीनों से सूखे के बाद शिमला में बीती रात बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे पर खुशी का माहौल देखने को मिला। झमाझम बारिश के चंबा के पांगी, भरमौर, डलहौजी के ऊपरी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी से अचानक तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सचपास मार्ग जो है बंद कर लिया गया है। अब ये मार्ग जून जुलाई को खुलेगा, क्योंकि यहां पर मोटी बर्फबारी की चादर बिछी रहती है। चंबा के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई और पर्यटक स्थल डलहौजी की ऊपरी पहाड़ियों पर भी बर्फबारी हुई, जिससे अब डलहौजी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चंबा में अचानक से मौसम में करवट ली और न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। बर्फबारी से चंबा के पहाड़ी बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। कुल्लू मनाली की हसीन वादियों में देश विदेश के पर्यटन पैराग्लाइडिंग करने से कतई पीछे नहीं हट रहे। कोरोना काल के चलते कुल्लू मनाली की वादियों में सैलानी पैराग्लाइडिंग का जमकर लुफ्त उठा रहे हैं। सैलानी पैराग्लाइडिंग कर यहां की सुंदर वादियों में अपने कैमरे को कैद कर रहे हैं। इंदौर इन दिनों पैराग्लाइडिंग करने के लिए सुबह से ही सैलानी पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस कारोबार से जुड़ी कारोबारियों की भी अच्छी कमाई हो रही है। इन दिनों मनाली के सोलंग नाला पॉइंट में सैलानी का जमघट लगा हुआ है। वहीं कुल्लू के युवाओं को भी अच्छा रोजगार मिल रहा है। देश में 24 घंटे में 30,681 नए केस आए। 434 मरीजों ने गवाई जान। 88,45,000 से ज्यादा जो है कोरोना के मामले हैं। 4,65,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 60 मरीजों ने गवाई जान। कुल मौत का आंकड़ा 46,000 के करीब। अब भी 84,918 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने 1,819 नए केस। अब भी 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 11,478 से ज्यादा मरीजों ने गवाई जान। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने कोरोना के 1,056 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 8,54,000 के पार। 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में 1,401 नए केसेस जो सामने आए। अब तक 4,80,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। 22,000 से ज्यादा एक्टिव केस।
राजस्थान में कोरोना से 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। एक दिन में 2,184 नए केस सामने आए। मरीजों का आंकड़ा 2,25,000 के पार। दिल्ली में लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 3,235 नए केस आए। 95 मरीजों ने गवाए जान। 39,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 1,957 नए केस मिले। 8 मरीजों ने गवाए जान। कुल आंकड़ा जो है 2,00,000 के करीब पहुंचा है। 2,000 से ज्यादा मरीजों की हो चुकी है मौत। कोरोना की चपेट में आए हरियाणा के राज्यपाल। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में करवाया गया भर्ती। कोरोना की चपेट में हरियाणा के राज्यपाल एसएन आर्य आए हैं। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है इलाज। हिमाचल प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 29,733 के पार। एक्टिव मामलों की संख्या 6,764 के पार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कुल जो है 441 मरीजों ने गवाई जान। हिमाचल प्रदेश के चंबा में कोरोना का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। पुंगरी ब्लॉक में बसंती सिरकुंज में 80 साल के मरीज ने कोरोना के चलते गवाई जान। पूरी दुनिया में कोरोना का आंकड़ा 5,48,00,000 के पार। अब तक 13,24,000 से ज्यादा मरीजों ने गवाई जान। पूरी दुनिया में अब भी 1,53,00,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों का आंकड़ा 1,13,00,000 के पार। अब भी 69,35,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील है। अब तक 1,65,000 से ज्यादा मरीजों ने गवाई जान। कुल मरीज का आंकड़ा 58,63,000 के पार। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। कुल मरीजों का आंकड़ा 19,25,000 के पार। अब भी 4,52,000 से ज्यादा एक्टिव केस।